हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पी के एल कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्जाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हरियाणा ग्रुप डी नॉर्मलाइजेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि 21 और 22 अक्टूबर को जो है एग्ज़ाम जो है ग्रुप डी का कंडक्ट करवाया गया था हमारे हरियाणा में। तो बात करूं मैं आंसर की, तो आंसर की इसकी परसों आ चुकी है, आई होप आप सभी ने चेक कर ली होगी। लेकिन अब कैंडिडेट का डाउट ये हो रहा है कि किस शिफ्ट को जो है नॉर्मलाइजेशन के नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं और किस शिफ्ट को जो है नॉर्मलाइजेशन के नंबर नहीं मिलने वाले हैं। और बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट भी आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर कम होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपका ये डाउट दूर करना चाहूँगा कि जो नॉर्मलाइजेशन लगता है उससे कभी भी जो है किसी के भी मार्क्स जो है कम नहीं होते हैं, इसमें मार्क्स बढ़ते ज़रूर हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस शिफ्ट के जो है ज़्यादातर मार्क्स जो है इस अब की बार इस नॉर्मलाइजेशन से बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आसान शिफ्ट की। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा विश्लेषण रहा है 10,000 कैंडिडेटों का, तो 21 तारीख की जो मॉर्निंग की शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेटों के जो ज़्यादातर मार्क्स बन रहे हैं वो इसी शिफ्ट के कारण बन रहे हैं। तो इस शिफ्ट को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। और हाँ, 21 तारीख की शाम की शिफ्ट को 3 से 4 नंबर मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के, और 22 तारीख की सुबह की शिफ्ट को दोस्तों 8 से 9 नंबर तक भी मिल सकते हैं, और 22 की इवनिंग की शिफ्ट को 3 से 4 नंबर मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारा विश्लेषण बता दिया है, तो किस तरह से जो है नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो है आपको मिलने वाले हैं। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब भी होता है वो दोस्तों इसलिए होता है ताकि लेवल को एक समान किया जा सके एग्ज़ाम के लेवल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।